अच्छा अंकल, कैसे हैं आप? ऑनेस्टली और डिसऑनेस्ट? ऑनेस्टली बताइए. ऑनेस्टली, आई एम वेटिंग फॉर अ चांस टू गो आउट. ओके, सो सी, आई केम ऑन माय ओन. ओके, आई केम ऑन माय ओन फॉर पर्सनल रीजन. ओके, इफ यू वांट टू, यू डोंट हैव अ फैमिली इशू, राइट? यू डोंट हैव अ फैमिली इशू? नो. ओके ओके, देन अंकल टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. आई एम अ गाय हु likes poetry. Would you like to would you like to some okay, I don't know, this is about for example, I'm blind. Okay, you are delivering your poetry as you are blind? Yeah, I had a friend who was blind. Okay, so I wrote this. Sure. For him, you know. Sure. I can look but cannot see, either you or me. I would like to look up at the sky, watch the clouds and birds as they fly. Watch the clouds and birds as they fly. Smile at the people walking by. But I can only touch and feel. Can only try and imagine if it's something real. Then there's a knock on. English clear kiya, Karachi aaye. Phir Karachi aane ke baad main koi specific job jo tha na. जी. ये बड़ों का कहना नहीं मानेंगे तो यहीं आप लीजिए. जी. कोई स्पेसिफिक जॉब नहीं उठाया. ड्राइविंग का शौक था और ड्राइविंग मैंने अपने आप का ऑब्सेशन बना लिया. ओके. अच्छा, वो कहाँ करता रहा? करता रहा अभी अमेरिकन एम्बेसी में, नॉर्कोटिक में था, हंगेरियन ट्रेड में था, ब्रिटिश में भी था, सब कॉन्ट्रैक्ट पर. शौक तो मुझे आर्ट का है. आर्ट का है. आपका हार्ट? जी जी. मेरा ये हार्ट. अच्छा, आर्ट. आर्ट इज माय हार्ट. माशाल्लाह, गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है. अच्छा अंदर, आर्ट के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आर्ट के बारे में, एक्चुअली आर्ट हमारे इर्द गिर्द जो है ये सब आर्ट ही है. ठीक है. ये अल्लाह की वो मामूरी है जो हमें उन्होंने अता की है. हम बाल बनाते हैं तो वो उसमें भी आर्ट होता है. ये स्टाइल वो ये सब आर्ट होता है. हम ड्रेस पहनते हैं तो उसमें भी आर्ट होता है. ठीक है. तो बहुत डीपली वो है ये सब्जेक्ट, जो हम देखते हैं वही हम कैनवस पे करते हैं. ठीक है. अच्छा अंकल, मेरा एक सवाल है. ये प्यार मोहब्बत ओ दिए तमाशा का खेलनी ओ दी है. प्यार होता है खुशी से मोहब्बत से, खुदा तेरी बंदे बंदे दरवाजा खटखटाती है. मोहब्बत मोहब्बत. मैं मूवी बनाता है, शाहरुख खान पक्का हूँ. ओके, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? सही, आपको यहाँ इस जगह पे, ये यहाँ पे कितना टाइम हो गया, कब से आप यहाँ पे? अच्छा, 6 साल से. 6 साल हो गए. अल्लाह का कुरान का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा मेरी बेटी के बारे में. अच्छा, आपके बच्चे हैं? इकरा तो है नहीं, बेटी तो बोलते हैं, बेबी बोलते हैं. इकरा दो इकरा. अच्छा, इकरा आपकी बेटी है. आपको याद आती है अपने, आपको याद आती है अपने घर वालों की? घर वालों को अभी नहीं याद आते, वो मुझे याद नहीं, छोड़ दिया बेचारा बच्चा. तो मेरे बेटी को काफ़ी प्यार करते हैं, जो मुझसे प्यार नहीं करते हैं मुझे जानते हैं. मैं बहुत खुशी करती हूँ, मैं क्या करूँ. तो वो आपको छोड़ के क्यों गए? अच्छा, आपका एक्सीडेंट आप बता रहे थे, आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था? कैसे? मैं बहुत नमाजी लड़का हूँ, मुसलमान है. शाहरुख खान, शाहरुख खान कभी झूठ बोलते हैं. जी. और औरत मुझे पसंद करता है, पर मैं औरत का ये बेटी बेटी बोलता हूँ. मैं मेरे कोई इंटेंशन नहीं शादी करने का, मैं बहुत बुरा हालत हूँ. अच्छा, आपकी फैमिली आपसे मिलने के लिए आती है? हाँ. आपकी फैमिली में से कोई आता है आपसे मिलने के लिए? कभी कभी.
अच्छा उनसे ज्यादा बात नहीं करते, गुस्सा होता है उनका। मैंने बोला कि मेरा परवाह नहीं करते, अस्पताल में नहीं जाते, करना मानते घर पे लेके जाओ उन्हें। तो मैंने बोला अगर तू नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में ही मर जाएगा। इकरा आती है आपसे मिलने? इकरा नहीं है, इधर काम करते डॉक्टर है। अच्छा, वो यही काम करती है वो? आप उनका 20 साल से ज्यादा काम कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर इकरा इकबाल एंड आई एम वर्किंग हियर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में तकरीबन 4 साल से ज़्यादा हो गए। हमारे पास रेजिडेंट्स आते हैं अपनी डिफरेंट स्टोरीज़ के साथ आते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, लेकिन डिफरेंट मेडिकल पैथोलॉजीज के साथ भी आते हैं जो बेसिकली मेरा कंसर्न होता है। उनको कोप अप करना यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी पर्सनल स्टोरीज़ हैं, जो किसी के 10 बच्चे हैं लेकिन फिर भी वो अबेंडेंड है, किसी की एक भी औलाद नहीं है, कोई बीमारी से लड़ नहीं सकता तो वो यहाँ पर है, कोई उनको अफोर्ड नहीं कर सकता तो यहाँ पर है, कोई उनके बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो यहाँ पर है। हर एक में अपनी उसकी 100 कहानियाँ छुपी हुई हैं। जब मैं एज अ रिहैबिलिटेटर उन्हें फोकस करती हूँ, उनकी हिस्ट्री पूछती हूँ, तो मेडिकल पैथोलॉजी या मेडिकल हिस्ट्री मुझे कम से कम मिलती है और उनकी पर्सनल हिस्ट्री ज़्यादा मिलती है कि मेरे बहू ने मेरे साथ ये किया, मेरे पोते ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया है, उन्होंने सारी मेरी प्रॉपर्टी ले ली है, मुझे तन्हा कर दिया है। हालांकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे साथ कोई मसला नहीं है, लेकिन बीइंग पर्सनली हम उन्हें जानते हैं कि वो एक एज की तरफ जा रहे हैं और हमारी सोसाइटी ने जो है वो एज को एक पैथोलॉजी समझ लिया है कि अब ये बूढ़ा हो गया है, इसे आइसोलेट कर दो, ये हमारे साथ इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, या अब ये इसको समझ नहीं सकता, इसे तन्हा कर दो। ये जो तन्हा कर देने वाली चीज़ है ना, एक्चुअली ये एक बीमारी है और उसके लिए वो नहीं, हम खुद बीमार हैं क्योंकि हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। हम उनकी फ्लोर्स को, हम उनके रूट्स को भूल गए, क्योंकि हमें समझता है कि हम फ्रेश लीव्स हैं, हम फ्रूट्स हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं जो हमारी रूट्स हैं वो यही लोग हैं। जब मैं एक रिहैबिलिटेटर उन पर फोकस करने की कोशिश करती हूँ या उनकी बीमारियों को समझने की कोशिश करती हूँ, उन्हें लाइफ की तरफ लाने की कोशिश करती हूँ, तो वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हम चलें तो किसके लिए चलें, अगर हम खाएं तो किसके लिए खाएं, अगर हम दवाई टाइम पे लें तो किसके लिए लें, कौन है हमें देखने वाला, क्या हम ठीक हो। बहुत से लोगों को तो ऐसा लगता है कि अगर मैं चलूँगी तो मुझे कोई आके ले जाएगा। वो 1-2 दिन बहुत अच्छे से हमारे साथ कोऑपरेट करके वॉक करते हैं एंड व्हेन नोबडी कम्स वो बेड पे चले जाते हैं, कोई नहीं आता। तो मैं ऐसे ही चलाती हूँ, मुझे कोई लेने नहीं आने वाला, मैं नहीं चलूँगी। अरे छोड़ो मुझे हाथ मत लगाओ, मैं ठीक हूँ, मुझे ये करके क्या करोगे तुम, मुझे सिर्फ दर्द दे रही हो, इससे कुछ नहीं होता। तो जो मेन चैलेंज जो मुझे फेस होता है वो इनका कोऑपरेशन है। वो इस वजह से होता है क्योंकि इनके लिए कोई फ्यूचर नहीं है, कोई गोल नहीं है। यानी मैं अगर पढ़ रही हूँ, मेरे लिए गोल है, यहाँ पे लोग जो आते हैं उनके लिए गोल है, किसी का होमवर्क है, किसी का असाइनमेंट है, किसी को मार्क्स चाहिए, किसी को अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनानी है एक्सेट्रा, लेकिन इनके पास कोई गोल नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है। जो मोटिवेशन देते हैं ना, वो एक सोशली सपोर्ट देते हैं। तो जो सोशली इंटरेक्ट हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है या मेरा ये मैसेज है कि अपनी डॉक्यूमेंट्री, अपने असाइनमेंट्स के थ्रू ही वो जो यहाँ के सीनियर सिटीजन्स को टाइम देते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो क्योंकि जो इमोशनल सपोर्टर हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो टेंजिबल सपोर्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपेनियनशिप सपोर्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जितने लोग सोशली इंटरेक्ट हो सकते हैं वो यहाँ पर ज़रूर आएँ और इनके साथ टाइम स्पेंड करें। थैंक यू। जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब एक आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल तो आखिर क्यों रोता है, दुनिया में तो यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं, थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, आँख तेरी बेकार ही नम है, हर पल यहाँ एक नया ही मौसम है, फिर तो क्यों ऐसे पलक होता है, दिल तो आखिर क्यों रोता है, दिल तो आखिर क्यों रोता है।
Alright, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hum achhe aa rahe hain ya phir nahi nahi nahi. Such a boring thing, na? Alright, he's Mr. Arkham. And, yep. This is Ali Bahaj, as you all know. This is King Sarif. Armughan King Sarif. This is Shafi. Or this is Ali Bahaj, as you guys already know. And today we are here at Dar-ul-Sakun. Aaj hum log yahan par aaye hain, like such a boring thing na, thoda sa interesting banate hain. This is Ali Bahaj aur aaj hum log aaye hain Dar-ul-Sakun mein. Dar-ul-Sakun ke andar aane ki wajah ye hai ki hum logo ko in logon ki dog shoot karni thi. Aajkal dog ka bada samana chal raha hai, har koi dog shoot karne ja raha hai. Dog means documentary bari. All right, hamare sath ye log bhi maujood hain, kafi acche log hain. अब तक तो काफ़ी अच्छे हैं, आगे आगे जाके देखो।